दिल्ली में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों में काफी राहत हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स की चेतावनी ने परेशानी बढ़ा दी है। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 100 नए मामले सामने आए और इस दिन एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। पिछले 10 महीने में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक दिन में किसी मरीज की मौत नहीं हुई। बता दें कि राजधानी में कोरोना संक्रमण दर में कमी आने के बाद अब ये 0.18% है। वहीं मृतकों की संख्या 10,882 है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार के आंकड़ों पर कहा कि दिल्ली के लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति की वजह से संक्रमण पर धीरे धीरे जीत मिल रही है। उन्होंने ट्वीट किया, दिल्ली वासियों के लिए सुखद समाचार, आज कोरोना की वजह से दिल्ली में एक भी मौत नहीं हुई। दिल्ली वासियों को बधाई, कोरोना के मामले भी कम हो चुके हैं। टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। दिल्ली वालों ने कोरोना के खिलाफ बहुत कठिन लड़ाई लड़ी है। हमें अब भी पूरी सावधानी बरतनी है। इसी बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने मंगलवार को बताया कि नए मामलों और मरीजों की मौत में कमी आई है, लेकिन साथ ही उन्होंने चेताते हुए ये भी कहा है कि पिछले राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार देश के 70% से ज्यादा आबादी अभी भी अति संवेदनशील कैटेगरी में है। वी के पॉल ने कोरोना वायरस के टीकाकरण के जरिए हर्ड इम्यूनिटी यानी कि सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को हासिल करने पर भी जोर दिया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।